सच ही कहा गया, कभी कभी आंखों का देखा हुआ भी झूठा साबित हो जाता है या फिर आंखों से देखने के बाद भी उस चीज़ पर विश्वास नहीं होता। बताते हैं कि बीबीएल 2022-23 सीजन में एक मुकाबला खेला जा रहा है ब्रिस्बेन हीट वर्सेज मेलबर्न रीजेंट्स के बीच। उस मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। बता दें आपको ये घटना तब घटी जब 9वें ओवर में स्केच की गेंद पर निक मैटसन पुल शॉट खेलने के लिए गए। वहाँ पर गेंद जब स्टंप के ऊपर से गुजरी तो वहाँ पर गिल्लियाँ बिखर गईं, जिसके बाद निक मैटसन को लगा कि वह आउट हो गए और पवेलियन की तरफ जाने लगे। हालांकि बाद में जब अंपायर ने देखा तो गेंद काफ़ी ऊपर से स्टंप के ऊपर से जा रही थी, तो यहाँ पर साफ साफ ये देखा गया ना निक मैटसन के द्वारा कुछ स्टंप में टच किया गया ना गेंद स्टंप को टच हुई है। और यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा सकता था कि निक मैटसन हिट विकेट नहीं हुए हैं और उस डिसीजन को अंपायर ने वापस लिया और फिर से निक मैटसन को बैटिंग के लिए भेजा गया। लेकिन इस घटना को देखने के बाद सच में आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है गेंद और स्टंप के बीच, और निक मैटसन की दूरी भी देखेंगे स्टंप से काफ़ी ज़्यादा दूर है, फिर भी निक मैटसन को एक समय ऐसा लगा कि हिट विकेट हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।